हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाइव हैं कलाभूमि आर्ट्स में, जहां प्रोफेशनली आपको डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते हैं। और अभी सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें बेसिकली बच्चों को प्रॉपर बेसिक लेवल अभी हम करा रहे हैं, जिसमें आपको प्रोफेशनली सारी चीज़ें ब्रीफ की जाती हैं, जो आपके करियर से रिलेटेड भी होती हैं, आपके पैशन से रिलेटेड भी होती हैं, एंड आप जो चीज़ बनाना चाहते हैं जिसमें आपको काफ़ी इश्यू या प्रॉब्लम्स आती है, वो सारी यहाँ पे क्लियर आती हैं। तो फर्स्टली हम पहले रूपा मैम के पास आते हैं, जो अभी मेनली अपना ऑयल में अपना वर्क कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं मैम से चाहूँगी कि आप वो अपना शेयर करें कि अभी क्लासेस किस अकॉर्डिंग मैम की रही हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। हेलो मैम। हेलो मोना, अभी आप किस उसमें मीडियम में आप वर्क कर रहे हैं? अभी एक्रेलिक में कर रहे हैं। तो अभी तक जितने भी मीडियम्स आपने किए हैं, जो टेक्निक्स आपने सीखे हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या एक्सपीरियंस आप कर रहा है? ओके, इस मीडियम में आपने क्या क्या टेक्निक प्रोफेशनली सीखी है? तो प्रॉपरली इसमें एक डेप्थ स्टडी होती है, जो पूरे टाइगर्स के हेयर्स निकालना और आईज को उसको प्रॉपरली शो करना, वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक इसमें आपने काफ़ी डेप्थ वर्क किया है। ओके, अच्छा। हेलो पूनम, अभी आप क्या वर्क कर रहे हैं? इसमें आपने इस वर्क में क्या क्या टेक्निक्स और मीडियम्स में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं? सॉफ्ट पेस्ट्री और पेंसिल कलर का मिक्सचर एक ब्लैक मैंने पहले वर्क किया। ओके, थोड़ा अलग अलग मीडियम लगा मुझे, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो अभी तक आपने जो भी टेक्निक्स या मीडियम सीखे हैं, सबसे बेस्ट आपको कौन सा मीडियम रहा है? जैसे चारकोल आपने किया है, सॉफ्ट पिस्टल आपको हो गया, पेंसिल हो गया है, आपका मिक्स मीडिया हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी ही एक तरीके से रियलिस्टिक वर्क है, जो एक स्कल्पचर को डिफाइन कर रहा है, एक पूरी लेडी के पूरे जो ड्रेसेस होती है, ड्रेपरी होती है, उसको पूरा डिफाइन कर रहा है। मेनली आप हेयर्स को, आप स्ट्रोक्स को आप देख सकते हैं किस अकॉर्डिंग इसमें पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये काफ़ी डेप्थ स्टडी होती है, तो इसी अकॉर्डिंग प्रोफेशनली कलाभूमि में क्लासेस दी जाती हैं। अब हम आयना के पास आते हैं, जो पूरा स्टिपलिंग में वर्क कर रहे हैं, जो पूरा पैन वर्क होता है, ये एक तरीके से पूरा ही क्रिएटिव माइंड वर्क है, जिसको आपने हैंड में आपने हैंडल किया हुआ है। उस बेसिस पे आपने आई ना क्या क्या चीज़ें इसमें सीखी हैं? इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसमें पेशेंस सीखी है। okay. जो एक्चुअली एक आर्टिस्ट को होनी चाहिए, बिकॉज उनका काम इतना मेहनत वाला होता है। एंड बेसिकली लाइट टोन्स ऑफ लाइट सीखा है, कहाँ से लाइट आ रही है, वहाँ पे ज़्यादा डॉट्स हैं, जहाँ पे लाइट्स नहीं है कम है, वहाँ पे उतने कम डॉट्स। अभी इसको पूरा बनाने में आपको कितना टाइम लगा? मुझे इसे बनाने में अराउंड 3 वीक्स लगे। 3 वीक्स लगे। ओके, अब हम ललित के पास आते हैं, जो स्पेशली वैसे हमारा बीएफए एंट्रेंस स्टूडेंट है, जो अभी पूरी प्रिपरेशन अपनी स्टडी कर रहा है। और ललित के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँ, अभी इनको अराउंड 1 ईयर भी हमारे पास नहीं हुआ है, जिसमें से इन्होंने 500 पोर्ट्रेट्स अपने कंप्लीट कर चुका है।
और उसमें पूरा फेसबुक पे भी ये लाइव होता है और अपना यूट्यूब चैनल भी इसका है जिसमें प्रोफेशनली पूरी चीज़ें स्टडी ब्रीफ करते हैं। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम इनसे शेयर करेंगे कि अभी तक कलाभूमि को कलाभूमि में आके ललित को क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली और क्या एक्सपीरियंस रहा। मैम सबसे पहले तो मैं यहाँ मैंने डिफरेंस मीडियम्स का पता चला है, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी डिफरेंस मीडियम के बारे में और यहाँ मीडियम्स और टेक्निक्स जो कि बिल्कुल नहीं पता था, टूल्स वगैरह कुछ भी, आई मीन आर्ट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो यहाँ के मैंने सब कुछ यहीं पे सीखा है। तो अभी टारगेटिंग आपका कॉलेज कौन सा है? डी सी ए आपका है। बी एफ ए में आप किस फील्ड में आप ज्वाइन कर रहे हैं? मैं पेंटिंग में आप कर रहे हैं। तो अभी तक आपने जो भी स्टडी करी है एंट्रेंस प्रिपरेशन से रिलेटेड या फाउंडेशन रिलेटेड उसमें आपको क्या सीखने को मिली है? हेलो रूपिका, अभी आई थिंक चारकोल में आप वर्क कर रहे हैं। हाँ जी मैम। इसमें क्या क्या चीज़ें आपने सीखी हैं जो एक्सपीरियंस ले? ये मैम इसमें टोन के बारे में सीखा, लाइट मीडियम और डार्क, प्लस इसमें हमने मिक्स मीडियम यूज़ किया है, इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट पेस्टल भी हमने यूज़ किया है एंड ये स्कल्पचर पेंटिंग है तो बस इसमें थोड़ा हमने ग्रेफाइट पाउडर का भी यूज़ किया है जस्ट टू गिव द लाइट टोन। और बेसिकली अभी तक आपने जो भी मीडियम्स किए हैं या फिर जो टेक्निक आपने सीखी है पहले के अकॉर्डिंग आपको कितना इम्प्रूवमेंट लगता है? मैम पहले के अकॉर्डिंग बहुत इम्प्रूवमेंट है, जब मैं यहाँ पर आई थी मुझे सच में कुछ भी नहीं आता पर यहाँ के टीचर्स और स्टाफ के सपोर्ट की वजह से ही आज मैं इतना बना पा रही हूँ। अभी आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं चारकोल में? यस मैम। अभी आपको कितना टाइम हुआ कलाभूमि में आए? अभी आफ्टर फाउंडेशन आपने क्या फील्ड चूज़ की है, मतलब किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं? मेरा अभी तो एज अ टीचर है, आर्ट टीचर, और अभी फाउंडेशन वन ईयर का डिप्लोमा मैंने यहाँ से ज्वाइन करा है। हाय शिवांशी, अभी आप क्या बना रहे हैं? अभी तक का आपने जो क्लासेस लिए अराउंड आपको 1.5 मंथ या 2 मंथ अभी हुए हैं, उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? अभी आप चारकोल मीडियम कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करो, अभी तक आपने जो क्लासेस लिए हैं या फिर आपका अभी एम आपके आगे क्या है, आप किस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं? अभी आपने कौन कौन सी मीडियम अपने कवर किया है? तो सबसे बेस्ट अभी आपने जो 2 से 3 मीडियम सीखे हैं उसमें आपके सबसे बेस्ट टेक्निक्स और टूल्स आपको किस मीडियम में लगे? चारकोल में अभी तक ज़्यादा बेस्ट लगी। चारकोल में आपको ज़्यादा बेस्ट लगी, ठीक है। तो ये जो आपने पेंटिंग बनाई है इसमें आप क्या डिफाइन कर रहे हैं? इसमें परफेक्शन एंड पैशनेट फॉर द हनी एंड ऑल, परफेक्शन इसमें मोस्टली काम कर। चलो थैंक यू।
तो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉपरली आपको पूरा कलाभूमि कैंपस दिखा रहे हैं, जहाँ पे आपको हर टेक्निक्स, हर मीडियम, हर टूल्स के बारे में ब्रीफिंगली ब्रीफ किया जाता है। और आप डजेंट मैटर कि आपको स्किल्स आते हैं या नहीं आते हैं, आपको पेंटिंग्स आती है नहीं आती हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से लेके और आपके सारे प्रोफेशनली चीज़ें आपको सिखाई जाती है कलाभूमि में। तो एडमिशन्स अभी ओपन है, आप एडमिशन्स ले सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड आपके लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी आप पूछना चाहते हैं वो आपके काउंसलिंग में ले सकते हैं। हमारी ट्रायल क्लास भी होती है, जिसमें बेसिकली आपको ब्रीफिंग मिलती है कि किस तरीके से फील्ड्स आगे आप ज्वाइन कर सकते हैं या क्या आप फील्ड्स में क्या क्या चीज़ें आप आगे परसुइंग कर सकते हैं। तो आप सभी का कलाभूमि में बहुत वेलकम है। थैंक यू।